हेलो क्लास 12th, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 को, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो फर्स्ट अगर डिस्कस करें कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन द सेंस व्हेन कैरेक्टर पास टू अ पेरेंट्स टू देयर प्रोजनी। जब कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में या ऑफिंग्स में, सो उन्हें इनहेरिटेंस बोला जाता है। एंड जैसे जैसे ये कैरेक्टर्स पास होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सो इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। एंड ऑल्सो वेरिएशंस, बिकॉज जितने भी कैरेक्टर पास होते हैं दे ऑल्सो शो सम वेरिएशंस, जिसकी वजह से यानी कि जो भी ऑफरिंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते। दे आर सम चेंजेस, दे आर सम डिफरेंसेस, दैट्स वाई जो डिफरेंसेज हैं उनको काउंट किया जाता है इन वेरिएशन। ओके, सो फर्स्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू गैमेट्स, टू जीन्स, सेक्स डिटरमिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को। राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसे बताया गया बेटा कि जो एलिफेंट्स होते हैं, ये नॉर्मल है कि एलिफेंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज एक बेबी एलिफेंट ही देंगे। मतलब अगर एक एलिफेंट है, अगर वो बर्थ देती है, जन्म देती है, तो वो एक बेबी एलिफेंट को जन्म देगी, किसी अदर एलिमेंट को नहीं। और वहीं अगर मैंगो का सीड है उसे आप ग्रो करवाओ तो ऑलवेज एक मैंगो का सीड ही बनता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों होती हैं, अभी सोचा है आपने उस पर? दूसरा, जो ऑफरिंग्स होते हैं वो ऑलवेज आइडेंटिकल होते हैं दो पेरेंट्स, हमेशा आइडेंटिकल ही होते हैं। क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सेम टू सेम हो, हर एक चीज़ मैच हो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कुछ कैरेक्टर्स ऑफकोर्स मैच होते हैं, यानी कि स्किन कलर मैच हो सकता है, आइज़ का कलर मैच हो सकता है, हेयर कलर, हेयर टाइप, हेयर कलर मैच हो सकता है, हाइट मैच हो सकती है ना, राइट, सम बिहेवियर मैच हो सकते हैं, सम लिविंग स्टाइल मैच हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं मैच हो सकती हैं, ठीक है, बट प्रॉपर आइडेंटिकल्स वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं। एंड ऑल्सो डिफरेंस भी होता है, बिल्कुल डिफरेंस भी होता है उनके अंदर। एंड ऑल्सो सिबलिंग्स होते हैं, सिबलिंग्स इन द सेंस जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। सो उनमें क्या होता है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर दो सिबलिंग्स हैं आपके और आप उन्हें नहीं जानते हो और अलग अलग टाइम पर आप उन्हें मिले और आपको थोड़ा बहुत वो एक दूसरे से मैच करते हुए दिखाई देंगे तो आपको लगेगा या मे बी रिलेटिव्स हैं या उन्हें जानते हैं, राइट। और ऐसा होता है कि कभी कभी की बहुत डिफरेंस होता है, बिल्कुल आप उनमें कोई भी चेंज मिस नहीं समझ सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा? इन सब का आंसर मिलता है इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर इनका आंसर मिलता है। इस सब्जेक्ट के अंदर डील किया जाता है विद द इनहेरिटेंस से एंड ऑल्सो वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स से, जो कि पेरेंट्स के ऑफरिंग्स में आते हैं। इनहेरिटेंस को अगर डिस्कस करें तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। एक पेरेंट्स से उनकी प्रोजनी में, यानी कि सम देयर टू पेरेंट्स, एंड इनसे जो उनकी प्रोजनी बनती है उनमें जो कैरेक्टर पास होते हैं उन्हें हम इनहेरिटेंस काउंट करते हैं। और जब ये कैरेक्टर, बिकॉज जो पेरेंट्स से एक प्रोजनी बनी, देन ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, फिर वो उससे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, देन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। सो जिस तरीके से चीज़ें पास होती रहती हैं तो यही क्या बनाती है, एक हेरिडिटी को बनाती है, एक ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अनदर जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटी। ओके, एंड वेरिएशन, वेरिएशन इज़ अ डिग्री, एक चेंज होता है कि कितना चेंज है प्रोजनी का फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कितना चेंजमेंट आया है और कितना सिमिलैरिटीज है, ये सारी चीज़ें हम वेरिएशंस के अंदर पढ़ते हैं। ओके, सो ह्यूमंस जो कि अर्लियर 1800 to 100 BC में, दे नो अबाउट द वेरिएशंस, उन्हें वेरिएशंस के बारे में पता था। एंड दे ऑल्सो नो दैट जो रीज़न है वेरिएशन का समहाउ वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज देर आर सो मेनी असेक्सुअल मोड जिनके थ्रू, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, जिनके थ्रू जो भी नेक्स्ट प्रोजनी बन रहा है, नेक्स्ट जनरेशन बन रहा था, दे आर एग्जैक्ट सिमिलर, वो बिल्कुल सिमिलर होते थे। बट अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेनली ह्यूमंस में हो रहा है या फिर एनिमल्स के थ्रू होता था, तो उनमें जो भी प्रोजनी बनती थी दे आर सम डिफरेंट, थोड़ा वेरिएशंस होता था, एंड ऑल्सो सम अडेप्टेशन जो क्वालिटीज़ होती वो भी इंक्रीज होकर आती थी। सो दैट्स वे का दैट्स वाई दे नो अबाउट द वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। सो जिनका यूज़ करके उन्होंने कुछ सेलेक्टिव प्लांट्स, वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के सेलेक्टिव ब्रीड भी बनाए, एंड ऑल्सो जो डिज़ायरेबल कंडीशन कैरेक्टर्स हैं उनको उनमें फीड किया, यानी हाइब्रिड क्रॉस बनाई। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल मिलता है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, एक एंसेस्ट्रिकल
काऊ होती है उसमें उन्होंने क्या किया था, एक इंडियन ब्रीड के थ्रू से क्रॉस करवा के एक काऊ बनाई जिसे साहिवाल काऊस बोला जाता है जो कि पंजाब में है। सो इस वजह से हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यार जो हमारे एंसेस्टर्स है वो उनको बिल्कुल इनहेरिटेंस के बारे में ओवेशन के बारे में पता था। बट येस ऑफकोर्स जो साइंटिफिक बेसिस है किस तरीके से डीएनए चेंज होता है, डीएनए में क्या ब्रेक डाउन होता है, जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है उनमें क्या चेंजेस हुआ, ये मे भी उनको इस फिनोमिनन का प्रॉपर आइडिया नहीं था। बट हाँ दे श्योर समथिंग इज देयर, समथिंग इज अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट मेंडल। उन्होंने इन मिड 19 थी तब उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए रिगार्डिंग दिस मेंडल्स इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। और इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल है यानी कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मतलब हाइब्रिड, एक पेरेंट्स एक जो फर्स्ट है और एक सेकेंड, और इसको जब इसमें क्रॉस करवाया तो एक ऐसा प्रोजनी बना जिसमें फर्स्ट के कैरेक्टर भी हैं और सेकंड के कैरेक्टर भी हैं। सो और अगर आप चाहो तो उनमें कैरेक्टर्स में चेंज भी करवा सकते हैं। सो दैट्स जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कैरेक्टर डिजायरेबल कंडीशंस को यूज़ करके हाइब्रिड क्रॉस बनवा सकते हो। तो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ऑन विच ऑन अ गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। फॉर 7 ईयर्स अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने इन 7 ईयर्स तक गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रोड्यूस किया, दिया, प्रपोज किया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमें आगे पढ़ना है। सो पहली तो बात ये हो गई कि इन्होंने एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, बट इनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इतनी वैल्यू क्यों दी गई या फिर क्यों एक्सेप्टेबल हुआ, बिकॉज देर वॉज अ फर्स्ट टाइम, इट वॉज अ फर्स्ट टाइम कि जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का कोई ऐसी चीज़ जो बायोलॉजी से रिलेटेड होती है, बस उसका आइडिया प्रॉपर स्टैटिक्स को यूज़ करके, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके और मैथमेटिकल लॉजिकल लॉजिक्स को यूज़ करके उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो बाय दिस एफर्ट, उनके इस एफर्ट की वजह से जिन्होंने जिनसे प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रॉपर मैथ्स को यूज़ करते हुए एक लॉजिक दिया उन्होंने कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एंड ऑल्सो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत लार्ज लेवल पे किया था, बहुत लार्ज सैम्पलिंग की थी उनमें, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने चेक किए, 1 जनरेशन एंड आफ्टर उसी की नेक्स्ट जनरेशन देन 7 ईयर्स तक उन्होंने उनकी प्रॉपर जनरेशन को सैंपल किया, डेटा कलेक्ट किया एंड ऑल्सो प्रॉपर चीज़ें जो भी जनरेशन में चीज़ें आई, जो वो पॉइंट आए, जो उनके रिजल्ट आए वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल ठीक थे, जिसकी वजह से जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है रैदर देन जो बाकी चीज़ें थीं या फिर जो उस टाइम अदर आइडियाज़ आ रहे थे उनसे उनके कंपेरिजन में इनके आइडियाज़ को ऑफकोर्स ज़्यादा वैल्यू दी गई थी। ओके सो मेंडल ने क्या किया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे गार्डन पी के, सो अपोजिट कैरेक्टर्स वो लेते थे ऑलवेज, जैसे कि टॉल कोई प्लांट है उसको डार्क प्लांट के साथ ब्रीड करवाया, एक येलो प्लांट है येलो सीड है उसको ग्रीन सीड के साथ ब्रीड करवाते थे। एंड सर ऑल्सो कुछ रूल्स बनाए थे इनहेरिटेंस के, बट जैसे जैसे लेटर ऑन साइंटिस्ट आते गए वैसे वैसे कुछ चीज़ें उसमें एडअप होती चली गई, बिकॉज ऑलवेज साइंस में कभी भी चीज़ स्टॉप नहीं होती, हमेशा एक न्यू चीज़ वहाँ पर खोजी जाती है। तो जैसे जैसे वहाँ पे साइंटिस्ट आते गए वैसे कुछ डिज़ायर नेचुरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरिटेंट के बारे में बताया गया। सो वो अदर थिंग है, बट फर्स्ट थिंग उन्होंने सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। सो उन्होंने करवाया क्या था, दे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब फर्स्ट तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे जो प्लांट में नॉर्मली होता है कि जो स्टेमिन है स्टेमिन से जो पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स जाकर उसी जिस स्टिग्मा है उस पे जाकर अटैच हो जाते हैं, स्टिग्मा पे जाकर गिर जाते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन आप करवा रहे हो, आप वहाँ पर उसको पॉलिनेशन दे रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स दे रहे हैं एंड देन वो जाकर पॉलिनेट करवा ले, एक आर्टिफिशियली टर्म पे करवाया गया, इसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी उन्होंने बोला इसमें। ओके और नाउ व्हाट इज़ द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मतलब सेल्फ जो मेनली सेल्फ पॉलिनेशन ही करते थे एंड कोई एक कैरेक्टर जो कि उसकी स्पेशलिटी है वही कैरेक्टर हर एक जनरेशन में ग्रो होता चला आ रहा था। ओके सो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस
सेल्फ पॉलिनेशन सोज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बोली कि एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती क्या, एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती कि जब हम किसी प्लांट के फिनोमिनन में कोई चेंज नहीं कर रहे, नेचुरली वो क्या कर रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा होता है। एंड सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद एक ट्रेड है जो हर एक प्लांट में नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी एंड जो उससे नेक्स्ट जनरेशन बनती है एंड नेक्स्ट जनरेशन उसमें प्रॉपर पास होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जो पहली जनरेशन है उसमें एक फ्लावर है, फ्लावर का जो कलर है यहाँ पर, ठीक है, वो रेड है। फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर है वो यहाँ पर रेड है, और यही कैरेक्टर हर एक जनरेशन में धीरे धीरे पास होता रहता है, बिकॉज ऑलवेज वहाँ पर क्या हो रही है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो वहाँ पर जो ट्रेड्स हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस या कुछ वहाँ पर नहीं होता। तो उन्हीं को और ट्रू ब्लीडिंग लाइन्स में सेवरल चेंजेस करवाने के लिए वहाँ पर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था। मेंडल ने, जो साइंटिस्ट मेंडल ने, उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्री कैरेक्टर्स को लिया, 14 ऐसे कैरेक्टर्स को लिए जो कि उस प्लांट्स में होते हैं, एंड ऑल्सो उन सारे कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की तरह यूज़ किया, एक कॉन्ट्रास्ट बनाया उनका, एंड देन फिर उनको इन देयर एक्सपेरिमेंट उन्हें यूज़ किया था। जैसे कुछ कैरेक्टर जैसे कि स्मूथ और व्रिंकल सीड्स होते हैं, तो उनका जो आउटर शेल होता है, जो ऊपर कवरिंग है, वो स्मूथ है या व्रिंकल्ड है, उनका कलर येलो और ग्रीन जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था। ऑल्सो द पॉट्स के बारे में कि वो स्मूथ है एंड फ्लैंटेड है ग्रीन कलर, ऑल्सो द टॉप एंड डॉफ टॉल एंड डॉफ प्लांट्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग एक आपको प्रॉपर टेबल दी गई है लाइक दिस। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैरेक्टर बताए गए हैं, ऑल्सो डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट जब हम फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेरेंट्स हैं, ट्रू पेरेंट्स हैं, इनका जब हम क्रॉस करवाते हैं सो F1 जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन बनकर आती है उसमें जो कैरेक्टर डोमिनेंट है या फिर जो कैरेक्टर शो होता है, दिखता है, उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं, बिकॉज वो कैरेक्टर वहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में है, डोमिनेंट होने की वजह से वो पहले वहाँ पर दिख जाता है। रिसेसिव वो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, इसलिए F1 जनरेशन में वो शो नहीं होता, बट यस ऑफ कोर्स आफ्टर फर्दर वो शो होता है। सो वो हम आगे चीज़ें उसमें अभी डिस्कस करेंगे इन लॉस में। सो फर्स्ट जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो था सीड शेप, या कैसा होना चाहिए, या तो वो राउंड हो या तो वो व्रिंकल्ड हो। सीड कलर या तो वो येलो हो या ग्रीन हो, इन दो ट्रेड्स अपोजिट ट्रेड्स को उन्होंने ऑलवेज साथ में लिया। ऑलवेज फ्लावर का जो फ्लावर है, मतलब जो पी में जो फ्लावर है उसका कलर वो वॉयलेट कलर का है या वाइट कलर का है। ऑल्सो जो पॉट शेप जो सीड है उसका शेप किस तरीके से होना चाहिए, स्मूथ शेप है एक या फिर उस थोड़ा सा फुल शेप है या फिर कंस्ट्रक्टिव थोड़ा सा शेप है जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। ऑल्सो द पॉट कलर वो ग्रीन है या फिर येलो है, ये सब कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर बेसिक लिए थे। ओके, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कहाँ पर है, एक्सियल साइड पे है जो ऊपर के साइड पे है या फिर टर्मिनेशन पोजीशन पर वो बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो इन द लास्ट स्टेम साइज, स्टेम का साइज़ कितना है, बहुत टॉल प्लांट है या बहुत डार्क प्लांट है। सो इस तरीके से उन्होंने 14 ट्रेड्स को यहाँ पर लिया था। अब आप इसे काउंट करिएगा, 7 ट्रेड्स हैं जिनमें से एक अपोजिट ट्रेड्स को लेकर 14 ट्रेड्स उन्होंने यहाँ पर लिए हुए थे, जिसको जो ये टेबल है यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं जो कैरेक्टर्स हैं ये 1, 2, 3, 4, 7 और अपोजिट कैरेक्टर्स आप सारों को काउंट कर लेंगे, यानी कि कैरेक्टर्स और उनके जो कॉन्ट्रास्ट हैं उनको जो आप काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि देयर आर द 14 कैरेक्टर्स, जैसे टॉल, डार्क, वॉयलेट, वाइट, एक्सियल, टर्मिनल, इन्फ्लेंटेड, कंट्रास्टेड, येलो, ग्रीन, राउंड, व्रिंकल, येलो एंड ग्रीन। सो इस तरीके से 14 कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया और उसके बेसिस पे प्रॉपर 7 ईयर्स तक प्रॉपर इन्होंने इनहेरिटेंस करवाया, क्रॉस करवाया और इनहेरिटेंस का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उनको दिया। सो हम इसे यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ 1 चेन। थैंक यू।